वहीं नगर पालिक निगम भिलाई में दुकान चबूतरा के आवंटन के लिए 24 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में जिस हितग्राही का नाम आएगा उन्हें उनकी मांग के अनुरूप दुकान या चबूतरा आवंटित किया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत रिक्त दुकान चबूतरा के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान हेतु 54 आवेदन, चबूतरा हेतु 2 आवेदन एवं महिला समृद्धि बाजार में दुकान आवंटन के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला स्तरीय समिति से सूची के अनुमोदन होने के पश्चात हितग्राहियों से शेष अमानत राशि जमा कराई जा रही है। अमानत राशि जमा करने वाले हितग्राहियों की लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में निकले हुए हितग्राहियों को दुकान का आवंटन किया जाएगा। हाँ देखिए, 24 मार्च को समय 12 बजे जो है इसको लॉटरी के माध्यम से दुकान और जो चबूतरा है उसका आवंटन किया जाएगा। और लगातार जो है भिलाई निगम में आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आवास योजना के लिए लॉटरी निकाली गई है। मोर मकान मोर आस के तहत जो किराएदार रहते हैं उनके लिए लॉटरी निकाली गई है। HP जो घटक होता है मोर मकान के तहत में, तो वो सारी चीज़ों की प्रक्रिया जो है निगम शीघ्रता से कर रही है और लॉटरी के माध्यम से और जो आवंटन करना है उसके प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय ने इसके निर्देश भी दिए हैं। लोगों की जो है जरूरतों को देखते हुए उनकी जो लॉटरी प्रक्रिया है उसके तहत में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये महिला समृद्धि योजना है और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। इसके तहत में दुकानें जो हैं और चबूतरा जो है वो आवंटित की जानी उसकी प्रक्रिया।